हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 8 के कुछ 20 प्रश्न को, वर्ग 8 2021 का विषय साइंस मॉडल सेट 1। तो हम लोग देखते हैं, पहला क्वेश्चन है कि धातु सामान्यतः किस रंग की होती है। तो धातु जो होता है सामान्यतः भूरा रंग का होता है। किस रंग का होता है? भूरा रंग का। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं धातु उष्मा के क्या होते हैं। धातु जो होती है वो उष्मा की सुचालक होती है। नेक्स्ट है सूक्ष्म जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव जो पाए जाते हैं वो सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। वो पाए जाते हैं वायु में, पानी में, सभी जीव प्राणी में, सब जगह पाया जाता है। आगे हम बात करने वाले हैं कौन सा जीवाणु दूध का दही बदल देता है। तो दूध का दही बदल देता है, वो बदल देता है लैक्टोबेसिलस। कौन बदल देता है? लैक्टोबेसिलस बदल देता है। आगे हम बात करते हैं किशोर अवस्था की उम्र क्या होती है। तो किशोर अवस्था की उम्र जो होती है वो होती है 10 से 19 वर्ष होता है। कितना वर्ष? 10 से 19 वर्ष होता है। आगे हम बात करते हैं कि किशोर अवस्था में लड़कों के उभरे हुए स्वर यंत्र का क्या नाम है। तो स्वर यंत्र को बोला जाता है कंठमणि। क्या बोला जाता है? कंठमणि। आगे हम बात करते हैं कि बल का ऐसे मात्रक क्या है। बल का ऐसे मात्रक जो है वो न्यूटन है। क्या है? न्यूटन। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर सीधे भौतिक संपर्क के द्वारा बल लगाती है उसे कौन सा बल कहा जाता है। भौतिक संपर्कित बल द्वारा, तो उसको बोला जाता है संपर्कित बल। भौतिक संपर्कित बल को संपर्कित बल कहा जाता है। दहन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है। तो दहन के लिए जो है वो जलने के लिए ऑक्सीजन गैस आवश्यक होती है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एलपीजी का पूरा नाम क्या है। तो एलपीजी का पूरा नाम जो है वो है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। कौन सा गैस है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो हम लोग जो है देखने वाले हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो धातु अपने जैसे शिशु को जन्म देता है वो ऐसे जंतु जो अपने से शिशु को जन्म देता है उसको क्या कहेंगे। तो उसको बोलेंगे जरायुज। क्या कहा जाएगा? जरायुज। हाइड्रा का अलैंगिक जनन क्या कहलाता है। हाइड्रा का अलैंगिक जनन जो है वो मुकुलन कहलाता है। क्या कहलाता है? मुकुलन। नेक्स्ट वे वस्तुएं जो अपने जो वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करता है उसको क्या बोलते हैं? प्रदीप्त वस्तु। क्या बोला जाता है? प्रदीप्त वस्तु। नेक्स्ट है सूर्य का श्वेत प्रकाश कितने रंगों का होता है। सूर्य का श्वेत प्रकाश जो होता है वो 7 रंगों में बंट जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं झारखंड के प्रमुख आपदा इनमें से क्या है। तो झारखंड के प्रमुख आपदा में से जो है वो तड़ित, झारखंड सबसे अधिक जो है वो तड़ित आता है। आगे हम बात करते हैं पृथ्वी के भूपटल का कंपन क्या कहलाता है। पृथ्वी के भूपटल का कंपन जो कहलाता है, भूपटल जो कहलाता है कंपन होता है उसको बोलते हैं भूकंप। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं वायुमंडल में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो वायुमंडल में सबसे अधिक गैस की मात्रा जो है वो नाइट्रोजन गैस है। आगे हम बात करते हैं कि हमें सूक्ष्म श्वसन के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है। हमें श्वसन करने के लिए अच्छे प्रकार की सांस लेने के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है। तो ये होता है ऑक्सीजन। नेक्स्ट प्रश्न।